गाइस, दिस इज फरहान सैयद फ्रॉम हलाल हिडन ज्यूल्स। आज हम लोग आए हैं एम बर्गर, ये नया रेस्टोरेंट खुला है, बिल्कुल रिचमंड में ही है। आपको इसका एड्रेस जो है मैं डिटेल्स में डाल दूंगा। आप अभी देखते हैं, काफ़ी इसकी तारीफें सुनने में आ रही हैं मार्केट के अंदर, देखते हैं कैसा है। आइए प्लीज़ जनाब। एम्बियंस तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है एंट्रेंस के अंदर, आप देखें। मैं अभी अभी अंदर घुसा हूँ और बड़ी खूबसूरत किस्म की एंट्रेंस है माशाल्लाह से। और बड़ी प्यारी बात यह है कि माशाल्लाह से अंदर जो है तिलावत लगी हुई है। अभी ऑर्डर करने लगे हैं इंशाल्लाह ताला फूड, देखते हैं कैसा है। ओके जनाब, कुछ जो है खाना आ चुका है, अभी बर्गर्स आ गए हैं। अभी ये जो देखें बर्गर, ये है बर्गर एम स्पेशल। ओके, इसको ज़रा ट्राई करके देखते हैं पहले। चलें इसको अभी। ओए, बहुत ही लोडेड है वैसे ये, देखते हैं खा के। मैक्रोनी और चीज़ जली हुई है और साथ जो है इसके अंदर स्ट्रिप्स हैं गोश्त के। बहुत ही मज़े का बर्गर है, वेरी वेरी गुड आई लव द बर्गर। अच्छी, अब एक और हम बर्गर ट्राई करने लगे हैं, पार्टी इन द माउथ। ओके, इसका देखें, इसका पैटी देखें, चेक करें आप। इसके अंदर डला हुआ है बीफ का, बहुत ही आला किस्म का लग रहा है, लेट्स ट्राई। ओए, बर्गर आप देखें यार, ह्यूज बर्गर है। ओह मैन, इतना सॉस लगा हुआ है इसके अंदर कि जो है सारा सारा हाथ पे मेरे आ गया, मेरे मुंह पे भी लग गया। लेकिन है कोई अखीर ही, काफ़ी मैसी है लेकिन वेरी वेरी टेस्टी, मज़ा आ गया। भाई अब हम लोग यहाँ के जो है ना कि बफलो इसके जो है विंग्स हैं ट्राई करते हैं, ये काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं। करीब से इसकी लो इसको। वेरी टेस्टी सॉस, बहुत मज़े की है। वाह वाह, अखीर फ्लेमिंग हॉट बर्गर भी आ गया जनाब, ट्राई करते हैं भाई इसको। क्या है भाई, ये सॉसेस में बहुत है, इस दफा आपने बीच में काट दिया ताकि आराम से खाया जा सके। देखिए ज़रा, ओए होए, बहुत अखीर है भाई। इसके अंदर जो है वो डले हुए कुरकुरे, चीटोज डले हुए, सॉरी चीटोज डले हुए, मैं कुरकुरों की तरह टेस्ट आ रहा था उसका। बट इज गुड, बट आई थिंक जो बेस्ट बर्गर, ये दो बकर बर्गर जो है बहुत अच्छे हैं, बहुत पसंद आया मुझे दोनों। ये इट्स ओके, बट जो चिकन टेरियाकी वॉज वेरी वेरी टेस्टी। बफलो ब्लू चिकन फ्राइज भी आ गए, ये ट्राई करते हैं ज़रा, काफ़ी ये भी अच्छा लग रहे हैं काफ़ी। फ्राइज जो हैं तो वही रेगुलर टेस्ट है, गोश्त का भी रेगुलर टेस्ट है, लेकिन जो ऊपर ये मायो डली हुई है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं करी, बस दिस आर जस्ट ओके। इसके ऊपर ऊपर चीज़, थोड़ी चीज़ भी डली हुई है, इस ओके जस्ट, बात कोई ख़ास नहीं है। ये स्नारो स्टाइल चिकन है, ठीक है, इसको भी हम लोग चेक करते हैं कि ये कैसा है। ठीक है, अभी टाको अभी है, थोड़ा एक दोबारा लेते हैं टाको, दिखाओ। दिस इज ऑल्सो जस्ट ओके, मतलब कोई कोई खास नहीं है, बट बर्गर्स आर वेरी वेरी गुड और चिकन टेरियाकी वॉज वेरी वेरी नाइस। सो हमने यहाँ पर एक आसी हेंडा के नाम से ये मंगवाए हैं, क्या नाम है, लोडेड फ्राइज हैं ये भी। इसका टेस्ट सुना है थोड़ा डिफरेंट है, मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ कैसा है, ताकि आप लोगों को मैं सही तरह से प्रॉपरली रिव्यू बता सकूँ। देखिए इसको इधर लेके आइएगा प्लीज़, अब ऊपर लेके आए मुंह पे तरफ आए।
I think चीजी बहुत ज़्यादा है फ्राइज के साथ और थोड़ा गोल्डन डाला इसके ऊपर. आई लाइक इट. जो मैंने दूसरा ट्राई किया था उससे ये बेहतर है, लेकिन मुझे खुद एक्चुअली अगेन ये इतना ख़ास समझ में नहीं आया. मैं सारे आपको जो है इसके स्कोर बता दूंगा कि कौन सा जो है इसका क्या लेवल है. ठीक है, तो थैंक यू. ओके भाई, अभी अल्हम्दुलिल्लाह खाना ख़त्म हो गया है. हमने खाना खा लिया है बर्गर एम के ऊपर. अभी काफ़ी ओवरऑल अच्छा रहा. बर्गर्स मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट थे इनके. उनमें से हमने जो तीन बर्गर ट्राई किए थे, एक एम बर्गर स्पेशल था, इट वाज रियली गुड. और दूसरा बर्गर था पार्टी इन माय माउथ. एंड एक और हमने बर्गर लिया था जो कि था फ्लेमिंग हॉट क्रिस्पी क्रिस्पी बर्गर. तो दैट वाज आल्सो वेरी वेरी गुड. ऑल थ्री बर्गर्स वर वेरी गुड. एक्चुअली मुझे बहुत पसंद आए. ओनली थिंग मैं उस पर वो डलूंगा कि इन लोगों के उस पर थोड़ा सा ऑब्वियसली खैर सॉस बहुत ज़्यादा था. लोगों का हर किसी का डिफरेंट टेस्ट होता है, लेकिन मेरे हिसाब से सॉस थोड़ा सा ज़्यादा था क्योंकि वो ड्रिप होना शुरू हो गया था. शायद मैंने इसे इतना पकड़ा नहीं था, लेकिन बहरहाल वो ड्रिप हो रहा था. ठीक है, और दूसरी नंबर पे जो मैंने चिकन विंग्स खाए थे वो बहुत मज़े के थे. दैट वाज वेरी वेरी टेस्टी. ठीक है, और उसके अलावा हमने कुछ क्या नाम है वो भी मंगवाए थे, लोडेड फ्राइज एंड स्टफ दो तीन, और टाकोज भी मंगवाए थे. दोज वर जस्ट ओके फॉर मी. एक्चुअली मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं आया. मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि उनको मैं 10 में से 6 नंबर दूंगा, लेकिन बर्गर्स जो थे डेफिनेटली 10 में से 8 नंबर उनके लिए हैं. बहरहाल मैं वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक एक और वीडियो के साथ हम लोग आएंगे. और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना, वॉच करना और शेयर करना मत भूलिएगा. और प्लीज़ अगर आप चाहें, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसका जो बेल बटन है वो जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे, आप देखते रहें. थैंक यू वेरी मच. फिर मिलते हैं. अस्सलाम वालेकुम.